शिवराज सिंह चौहान को लेकर सियासत गर्माई हुई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शिवराज सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस ने सलाह दी है कि शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एमपी में शिवराज सिंह के कारण ही कांग्रेस हारी है। एमपी की जनता को शिवराज के योगदान का फायदा मिलना चाहिए। तो तारीफ की गई है शिवराज सिंह चौहान की और कांग्रेस की तरफ से जो है तारीफ की गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और ये सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, विवेक तनखा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के लिए, उदित राज की तरफ से भी शिवराज सिंह चौहान के लिए जो है कहा गया कि प्रधानमंत्री होना चाहिए, इस बार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री मिलना चाहिए देश को, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के योगदान की अगर बात करें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश से इस बार का प्रधानमंत्री हो। तो ये जो आपको दिखा रहे हैं हम पोस्ट, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से, कि इस बार का जो प्रधानमंत्री है वो मध्य प्रदेश से होना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान की तारीफ विपक्ष भी कर रहा है और एक ऐसा चेहरा जो जनता के बीच में 24 आवर्स नजर आया है, चाहे वो रैलियों के माध्यम से हो या जनसभा के माध्यम से हो, लाडली बहनों के बीच मामा नजर आए, भैया नजर आए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है, शिवराज सिंह चौहान की तारीफ विपक्षियों ने की है और कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करें किसी भी चर्चा में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अगर कहें को बीजेपी को इस बार केंद्र में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, हालांकि एनडीए को घटक दलों को मिलाकर वो बहुमत में है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अपनी पार्टी के दम पर उनको बहुमत नहीं मिला और यही कारण है कि अब कांग्रेस जो है वो इस तरह के सवाल जरूर खड़े कर रही है। यानी शिवराज सिंह चौहान की वो लगातार तारीफ कर रहे हैं, चाहे वह उदित राज हो, सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, ये सबके सब लोग इस बात को अब कहने लगे हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको अब प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये जो आपने कहा कि कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कल जो बैठक हुई उसके बाद एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता थे उनकी तरफ से जो भी बातें सामने आई, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, सबकी तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगी है। हालांकि अभी जो है वो संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, उसके बाद ही तय होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से शपथ लेंगे। लेकिन उसके बीच कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक सुर में अब शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने लगे हैं और कहा है कि जिस तरीके से कम सीटें आई हैं और सभी को अगर साथ लेकर चलना है तो मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता जो है उनको सामने आना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। देखिए, तब साफ तौर पर उस ट्वीट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो उम्र में भी कम है और ओबीसी कोटे से ही आते हैं और 4 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी पूरे भारत में एक अच्छी पहचान भी है और एक पकड़ भी रखते हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कोटे से प्रधानमंत्री होना चाहिए और वो नाम शिवराज सिंह चौहान का लगातार ले रहे हैं। देखिए, उस वक्त में कांग्रेस का ये जो पोस्ट आया है, जब नीतीश कुमार भी हैं साथ में, जब चंद्रबाबू नायडू भी हैं साथ में, यहाँ चिराग पासवान है, जयंत चौधरी है, ऐसे कई बड़े जो दल है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, कई ऐसे पार्टीज है जो बीजेपी के साथ मिली हुई है। इस पोस्ट को देख के भले ही हम ये कहें कि चलिए शिवराज सिंह चौहान की तारीफ हुई है क्योंकि वाकई में उन्होंने मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं फूट डालने वाली भी चीज नजर आ रही है इस पोस्ट के जरिए, कि ताकि शिवराज सिंह चौहान अड़ जाए कि नहीं मेरी मांग हो रही है प्रधानमंत्री बनाने की तो बाकी लोग भी लड़े, कहीं ना कहीं वही है कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में चाहे विधानसभा की जीत हो या लोकसभा की जीत हो, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा योगदान रहा है। वो हर मौके पर पार्टी के साथ खड़े नजर आए हैं और जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि विधायक दल की जब बैठक हुई और उसमें खुद शिवराज सिंह चौहान की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव का नाम आगे दिया गया था, तो ऐसे में अगर ये उम्मीद की जाए कि वो अपने से कुछ बात करेंगे, ये वो अपने से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, ये बात उनकी खासियत है। और जिस तरीके से उन्होंने अभी भी जीत के बाद भी जब उनसे लगातार उनकी भूमिका को लेकर सवाल होता है तो कहते हैं शिवराज सिंह चौहान एकमात्र कार्यकर्ता है, पार्टी जो निर्णय लेगी वो सिरोधार होगा। लेकिन जो आप बिल्कुल ठीक कहा शैलेंद्र, ये डाउन टू अर्थ नेचर शिवराज सिंह चौहान का और इसीलिए विपक्षी भी कायल हैं उनके इस नेचर के। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विदिशा की, जहां बड़ी जीत के बाद